हेलो फ्रेंड, कुकिंग में डिजी बाय पिंकी में आपका स्वागत है नया रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पम्पलेट फिश करी। आप मेरे चैनल में नया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी नया नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पम्पलेट मछली लेना है, मैंने दो टुकड़े में कटिंग कर लिया। अभी चाकू से छोटे छोटे कटिंग कर लेंगे तो अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाएगा। सारे मछली को ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। मछली में हल्दी नमक डाल के अच्छे से मछली के साथ अच्छे से मिक्स करना है। पैन गरम हो गया, अब इसमें सरसों का तेल डाला है। तेल गरम हो गया, एक एक करके मछली को डालना है। सारे मछली को डाल देंगे। मछली डाल दिया, एक साइड फ्राई हो गया तो दूसरी साइड फ्राई करना है। दूसरी साइड पलट दिया तो दूसरी साइड फ्राई हो गया। अभी प्लेट में उठा के रखना है। अभी कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, उसमें एक चुटकी साबुत जीरा, एक तेजपत्ता, दो बड़ा साइज का प्याज, एक लहसुन, दो बड़ा साइज का टमाटर कट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा, ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का सा फ्राई करके ठंडा होने के लिए रखा है। उसको मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे। अभी जिसमें मस्ती फ्राई किया उसी तेल में थोड़ा सा साबुत जीरा डालना है। डाल के एक बड़ा साइज का छोटे छोटे टुकड़े में कटी हुई प्याज को डालना है। प्याज हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए, हल्का सा ब्राउन कलर हो गया। अब इसमें जो मसाला पेस्ट बना के रखा है, फ्राई हुआ मसाला जो पेस्ट बना है उसको डालना है। डाल के मसाला को अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़े थोड़े करके सारे मसाला डाल दिया। डाल के फ्राई कर लिया मसाला को। अभी ऊपर से 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के मसाला को अच्छे से फ्राई करके इसमें गर्म पानी डालना है। अभी उतल आ गया। अब इसमें एक एक करके सारी मछली को डालना है। डाल के 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे सारे मछली को। एक साइड अच्छे से ग्रेवी अच्छे से हो गया है, एक साइड पक गया तो दूसरी साइड इसको पलट के फिर दूसरी साइड भी अच्छे से पकाएंगे। ऊपर से 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालना है। 10 मिनट का बाद ये बनकर तैयार हो गया हमारा पम्पलेट फिश करी। आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, कमेंट में लिखना कैसे बना है। मेरा रेसिपी पसंद है।